राजौरी सुंदरबानी के ठंडा पानी इलाका में आज एक मकामी नौजवान की लाश को दरिया से बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर पुलिस थाना सुंदरबानी में तहकीकात शुरू की है, जबकि लाश का पोस्टमार्टम व दीगर जरूरी कार्रवाई मकामी सिविल अस्पताल में की गई। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आज शाम मकामी लोगों की तरफ से ठंडा पानी गाँव में दरिया के बीच एक लाश को देखा गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और पुलिस थाना सुंदरबानी से एक टीम मौके पर जा पहुंची, जिसने मकामी लोगों की मदद के साथ इस लाश को दरिया के पानी से बाहर निकाला। वहीं मौके पर ही पुलिस की तरफ से इस लाश को लेकर की गई जरूरी कार्रवाई के बाद इसे सब जिला अस्पताल सुंदरबानी ले जाया गया, जहां इसका पोस्टमार्टम व दीगर जरूरी मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज मुकम्मल की गई, जिसके बाद पुलिस ने इस लाश को अपने कब्जे में ले लिया है और इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात शुरू की जा चुकी है। पुलिस ने यह जानकारी दी कि सुंदरबानी थाने में 174 CRPC के तहत इंक्वेस्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें जरूरी लीगल फॉर्मेलिटीज के अलावा इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है। वहीं अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जिस शख्स की यह लाश बरामद की गई है, इसकी पहचान एक मकामी नौजवान के तौर पर ही हुई है, जिसकी उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है, और इस पूरे वाक्य को मशकूक करार देते हुए पुलिस ने यह जानकारी दी कि इससे जुड़ी हुई तहकीकात का आगाज किया जा चुका है। पहचान नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों के अंदर